ओम वंदे गौ माता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, दिमाग में चल रही फालतू की बातें, फालतू की बड़बड़ अनर्गल प्रलाप को कैसे रोकें, आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। क्या विषय है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं और कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जब तक ये बड़बड़ चलती है, दिमाग की बड़बड़ चलती रहती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाना हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। मित्रों, तो चलिए आज हम इसी विषय पे विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपने उदाहरण के विषय में काफ़ी जाना होगा, सुना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चलता है वो क्या चलता है वो भी आपको स्पष्ट कर दूँ। हमारे दिमाग में जो बीज होते हैं, जो विचारों के बीज होते हैं, वो उगते हैं। वो कैसे उगते हैं? जैसे भूमि होती है ना, जमीन, जमीन यदि उसको बार बार खोदा ना जाए तो उसमें जो खरपतवार के बीज कहीं पड़ जाते हैं वो उगते रहते हैं और कुछ भी पौधा उग जाता और बड़ा होता और पर जो भी है चलता रहता है। और जो फसल होती है वो फसल सही से नहीं हो पाती है। इसलिए आपने देखा होगा किसान बार बार खेत को खोदता रहता है, जहाँ फसल उगाता है बीच में खोदता रहता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल के बाहर फेंकता रहता है, ताकि उसकी फसल को पूरा पोषण मिले, ना कि उसके खरपतवार जो उसमें बीच में उग गए हैं उनको पोषण मिले, इसलिए उसको हटा दे। क्योंकि पोषण जो पाएगा वो बड़ा हो जाएगा और जिसको चाहिए पोषण वो उसको पोषण नहीं मिल पाएगा। यानी कि फसल का पोषण वो खरपतवार ले जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो ले जाएगा और फसल को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए किसान ये काम करता है। मित्रों, अब हम कहाँ क्या करते हैं, हम दिन भर में क्या करते हैं, हम दिन भर में हमारी दृष्टि ना जाने कितनी जगह घूमती है, ना जाने कितने लोगों को देखते हैं, ना जाने कितने स्त्री पुरुष बच्चों और कितने दृश्यों को, कितने शाइन बोर्ड, ना जाने क्या क्या देखती है। हम जो देखते हैं और उसके अलावा मूवीज़ देखना, वीडियोस देखना, ये सब चीज़ें हम देखते और सुनते हैं, सुनते भी ना जाने क्या क्या। अभी आवाज़ आ रही फ़ौरन बजा पोंपूँ, सुनाई दिया। तो ना जाने कितनी सारी बातें हम देखते हैं, ना जाने कितनी सारी बातें हम सुनते हैं और ये सारा हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, सब कुछ स्टोर होता है। मित्रों, क्योंकि जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो सारा स्टोर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, इतने सारे बीज हमारे मस्तिष्क में लग जाते हैं, पड़ गए हैं। अब जब जिसकी ज़रूरत होती है, जब जिसके अनुकूल हमारे अंदर वातावरण मिलता है, वो उगने लगता है, वैसा विचार उगने लग जाता है। जैसे कभी आपने कोई ब्लू फिल्म देखी, सामान्य आपका विचार वैसा नहीं है, पर जब आपके मन में थोड़ी कामुकता उठी आपको तुरंत वो ब्लू फिल्म याद आ जाएगी और आप गड़बड़ कर लेंगे। उसके अलावा यदि आपके मन में भजन के विचार आए, कोई ईश्वर के प्रति कुछ भावना जागी, तो उस समय तुरंत आपने कुछ मंदिर या कुछ ऐसी चीज़ देखी कि वो तुरंत आपके विचार में आ जाएगा। मैंने दोनों एकदम विपरीत बातें बताई हैं और विपरीत इसलिए बताई हैं ताकि आपको बातें स्पष्ट हो सकें। इसके अलावा जब आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उससे जुड़ी जितनी भी बातें वो सब आपके मस्तिष्क में घूम जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिससे जुड़ी हैं उसके साथ आप उसको रिमाइंड माइंड में कर लेते हैं। इसका मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, सब कुछ स्टोर हो जाता है और बचपन से लेकर ना जाने कितने सालों से स्टोर हो रहा है और जब तक आप अभी जो आपकी आयु हुई है वहाँ तक आप सब स्टोर करते ही चले आ रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ बातें हम भूल गए, भूल गए हैं। तो कई बार जब उस व्यक्ति से जुड़ी कुछ बातें आती हैं तो आप उनको याद करने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको खोदते हैं याद करने के लिए। तो क्या क्या चल रहा है, ये सारी बातें हो गई। अब ये सारी बातें कितनी आवश्यक हैं आपके लिए, ये आप खुद जानते हैं। आप बोलेंगे इसमें ज़्यादातर बातें अनावश्यक हैं। हाँ, अनावश्यक हैं, पर आपने क्या उनको अनावश्यक माना है? नहीं माना, क्योंकि तभी वो आपके दिमाग में स्टोर हो गई हैं। मित्रों, इसलिए कहा जाता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने जीवन में एक टारगेट, एक लक्ष्य तय करिए। जैसे मुझे बचपन से मेरा एक लक्ष्य था, मुझे शिक्षक बनना था। जब मैंने तीसरी कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, कौन क्या बनेगा, तब से मेरे दिमाग में आया था मुझे शिक्षक बनना है। अब जैसे 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 समय बढ़ता गया, तब प्राइमरी शिक्षक बनना था, फिर जब कॉलेज में आ गई एमकॉम किया तो मुझे लेक्चरर भी बनना था, लेकिन मैं वो भी नहीं बन पाई। उसके बाद जब प्राइम जीवन में आया तो मैंने सोचा योग शिक्षक बन जाऊँ, तो मैं योग शिक्षक बन गई थी। उसके बाद आज आगे कहाँ हूँ ये आप देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो एक मन में कहीं इच्छा थी, लक्ष्य सारा उसी पे था, केंद्र पूरा उसी पे था, क्योंकि मन की इच्छा थी। तो हर चीज़ सीखने में,
जो मेरी जिज्ञासा रहती थी वो बहुत ही प्रबल रहती थी। मतलब जो अच्छा लगता है उसको सीखना है, पूरा सीखना है। जब पूरा सीखेंगे तो उसमें पूरा अमल कर पाएंगे। तो उस समय माता पिता का कोई ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी जॉब करे, मेरे पति का भी ऐसा नहीं था कि जॉब करना है। तो मेरे भी जीवन में कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे जॉब करना है। इसे मैंने जॉब करने के हिसाब से कभी कुछ नहीं सोचा, इसलिए मैंने कभी भी उस हिसाब से तैयारी करने की, पर हाँ टीचर बनने इच्छा थी मन की, मेरा पूरा वो नहीं था, बस एक मन में विचार आ गया, वो हो गया। पर कुल मिला के बात क्या कि जब हम कोई चीज़ अंदर से निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आया, उसके साथ हमने बहुत सी चीज़ें परिवर्तित भी देखी। तो आप जब एक लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो आपको जो एनवायरनमेंट है ना वो सारी उसी हिसाब से चीज़ें दिखाएगा। और जब दिखाता है तो आप उसमें क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं, ये आप तय करेंगे। जैसे आप लोग भी सीरियल देखते हैं, मैं पहले कभी सीरियल देखा करती थी, अब तो मेरे घर में टीवी ही नहीं है और अब समय भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों से बात करनी होती है, कमेंट रिप्लाई करनी होती है, तो बहुत कुछ काम होता है तो समय नहीं होता है। तो क्या है, आप सीरियल देखते हो तो आप सीरियल में क्या देखते हैं, क्योंकि आपके शौक हैं। आप बाहर जो देखते हैं, ये साड़ी, ये कपड़ा, ये इसने इसको ऐसा बोल दिया, उसने उसको वैसा बोल दिया, इसके रिलेशन ऐसे हैं, इसके रिलेशन इसके साथ ऐसे हैं, उसके रिलेशन उसके साथ वैसे, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा, आप ये सब देखते हैं तो आपको वही सब दिखाई देगा और वही सब आपके विचार आपके अंदर चलते रहेंगे। लेकिन मैं जब सीरियल देखती थी, मैं क्या देखती थी, मुझे लगता था ये सीरियल अब ख़त्म हो जाएगा। क्यों? जब कोई मामला सुलझ जाता था मुझे लगता था ये सीरियल, क्योंकि कहानी का अंत होता है कि मामला सुलझ गया, कहानी ख़त्म हो गई। पर जब मैंने मतलब आई थिंक मुझे याद है कि मैंने शायद 12-15 साल पहले मैं सीरियल थोड़ा बहुत देखा करती थी, तो और बीच में देखती थी क्योंकि मुझे जागना होता था, पति देर से आते थे तो जागना पड़ता, तो सीरियल देखती रहती थी। उसके बाद वो बंद हो गया। तो हुआ क्या कि जब मैं देखती थी ये सीरियल, अभी कहानी ख़त्म हो गई, चलो अब नया सीरियल शुरू होगा, पर वो होता ही नहीं था क्योंकि डेली शॉप चलते थे और मां ना जाने कितने सालों चलते रहते थे। तो हुआ क्या कि मेरे अंदर एक बात समझ में आई कि कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, बुराइयां कितना भी प्रभावी हो जाएं, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। यानी कि बुराइयों को लगता क्या ये हावी हो रही हैं, जीत जाएंगी, बुराइयों की जीत दिखाई देती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो बुराई दुम दबा के भाग जाती है। तो वहाँ एक बात समझ में आई कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होना पड़ता। और यदि कहानी सत्य भी पराजित हुआ है तो समझ लीजिए कहानी अभी बाकी है, कहानी भी पूरी नहीं हुई है और इस कहानी का अंत कहीं और है। आप अभी भले उसको अंत समझ रहे हैं पर ये अंत नहीं है, ये अभी कुछ और नई शुरुआत हो सकती है। और वो हर सीरियल में हो जाता था, तो वहाँ से मुझे ये बातें ऐसे समझ में आई। पर अब आपने क्या देखा और मैंने क्या देखा, क्योंकि मेरी दृष्टि एक ही चीज़ में चलती थी, ये किसी को बताना पड़े तो मैं क्या बताऊँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। तो मित्रों, आप जो चीज़ें जैसे देखते हैं, जैसे समझते हैं, वही आपके माइंड में चलता है। आप अपने देखने की दृष्टि बदलेंगे तो आपकी सृष्टि बदलेगी। और यदि आप एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से समझ में आएंगी, ना कि कुछ और समझ में आएगा आपको। इसलिए हम कहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा होना है। यदि आप तय करते हैं कि मुझे एक सफल इंसान बनना है, सफल इंसान क्या होता है? सफल इंसान वो होता है जो अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है, सबके साथ घुल मिल के रहता है और किसी का कभी बुरा नहीं करता। ये एक सफल इंसान की परिभाषा है मित्रों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सब तरह से हर चीज़ अच्छी उठानी होगी। यदि आप कहीं से कोई बुराई उठाते हैं कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसने भी कर दिया, हम भी कर देते हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होना ज़रूरी है। यदि उसमें कहीं बुराई मिल जाती है, कोई बुराई आ जाती है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए सफलता के लिए क्या ज़रूरी है वो निर्धारित करें, क्योंकि हर कोई सफल होना चाहता है, पर सफलता पाने के लिए जो करना चाहिए, जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा जब हम नहीं करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। मित्रों, एक बात आपको बता दूँ, प्रभा कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, प्रभा कोई बहुत बड़ी व्यक्ति भी नहीं है, बस कुछ वीडियोज़ ने इतने लोगों तक पहुँचा दिया। अन्यथा आज यदि मैं अपने पति के साथ होती, मेरे पति मेरे साथ होते, तो घर का चूल्हा चौका ही कर रही होती, मुझे उसमें भी उतनी ही रुचि थी। आपको बता दूं, मेरे घर में पैर पहुंचने से लेकर
पर्दा सिलने तक, मेरे अपने पहने हुए कपड़े तक सिलने, ये तो मेरे इसलिए नहीं है, सब मैं अपने आप खुद करती थी। कि तब मेरी ऊर्जा उसके निर्माण में थी, कि तब मुझे सिर्फ मेरे घर को संभालना था, तब मेरी जिम्मेदारी मात्र मेरे पति और मेरे बच्चों के प्रति थी, तब मेरी जिम्मेदारी मात्र मेरे परिवार के प्रति थी। तो मेरी सोच वैसी थी और मैं उसी में अपने आप को डेवलप कर रही थी। यदि उसमें मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती तो आज मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं होती। मित्रों, जब हम अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते हैं तो हम कभी गलत नहीं होते। जब हम गलत नहीं होते तो कभी हमारे लक्ष्य भी गलत नहीं होते। जब हमारे लक्ष्य गलत नहीं होते तो हमारे दिमाग में फालतू की बातें भी नहीं चलती। सिर्फ हमारे लक्ष्य से संबंधित सिर्फ अच्छी बातें ही हमारे दिमाग में चलती हैं। बड़बड़ फालतू की उनके दिमाग में चलती है जो फालतू की चीज़ें देखते सुनते और उनको घुसते हैं, उनमें घुसते हैं, जो दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का प्रयास करते हैं, उनके दिमाग में फालतू की बातें चलती हैं। तो यदि आप समझना चाहते हैं इस बात को तो इतना सा ही समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य करें वो सबको बता सकते हैं, निर्माण कर सकें, ऐसे काम यदि आप करते हैं तो आपकी बड़बड़ कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आपका दिमाग हमेशा सही दिशा में चलेगा, सही बात करेगा, सही बात सोचेगा और सही निर्णय कर पाएगा। लेकिन अनर्गल बातें यदि आपके दिमाग में चल रही, फालतू की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि क्यों चल रही हैं मैंने आपको कारण बता दिया है। यदि आप क्या सोच रहे हैं आपने निर्धारित ही नहीं किया तो हर चीज़ आप देखते रहेंगे उसमें से बस चलता रहेगा। इसलिए लक्ष्य निर्धारण करिए तो आपके दिमाग में चलती फालतू की बड़बड़ कब समाप्त हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका केंद्र एक जगह हो जाएगा। इसलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूँ। एक सन्यासी के पास एक गृहस्थ आया। उसने बोला, महाराज मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मैं क्या करूँ? महाराज बोले, तू उसकी बात छोड़, तू हफ्ते भर में मर जाने वाला है, अब तेरे को जो करना है कर। उसने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब जब वो गया उसमें इतने तो संस्कार थे, उसने बोला हफ्ते भर में मुझे मर जाना है तो मैं सब कुछ अच्छा करके मरूं। उसने सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दिया, मित्रों से अच्छी से बात करता, सबकी सहायता करता, अपनी संपत्ति में से काफ़ी कुछ बांट भी दिया, काफ़ी कुछ उसने अच्छा किया। अब हफ्ते भर बाद वापस गुरु जी ने बुलाया था, सन्यासी ने बुलाया था, आया, बोले हफ्ता कैसा बीता? मेरे को सोचने का समय ही नहीं था, मैंने सब कुछ बांट दिया। बोले कैसा लग रहा? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले बस यही है तरीका सही होने का, सुखी होने का, अपने आप को शांत करने का। तो मित्रों, जितना बांटेंगे उतना आपके पास बढ़ता चला जाएगा। तो बांटना सीखिए तो अपने आप दिमाग की बड़बड़ भी बंद हो जाएगी, पर अच्छी चीज़ें बांटिए, अच्छा लगेगा। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक और डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो अवश्य बताइए, और साथ ही कमेंट करके ही बताइए कि हमारे विचार कैसे हैं, क्योंकि हम आपका समय लेते हैं, कीमती समय होता है, सबके पास होता है, तो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।